बन जाओ और जब तुम सगड़ के रूप में भगवान के सामीप्य में उपस्थित होगे तो गोविंद तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वो समय आया, उसका उद्धार हुआ। और ये तृणाव्रत नाम का जो राक्षस था, प्रियतमन श्रोता, वो ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी कथा आई कि ये पांडु देश के राजा थे। इनका नाम सहस्राक्ष और इन्होंने जो है दुर्वासा ऋषि का श्राप इन्हें प्राप्त हुआ। और जब श्राप दुर्वासा ऋषि ने इन्हें तृण के रूप में दिया तो इन्होंने प्रार्थना की भगवान से, देवर्षि दुर्वासा से। तो दुर्वासा जी ने कहा कि द्वापर के आने पर जब गोविंद रूप धारण करके प्रकट होंगे तो उस अवसान पर तुम्हारा जो है भगवान नारायण उद्धार करेंगे। कि वाद देहस्तुमे भूयाद व्यतीते चाक्षुनांतरे वैवस्वनांतरे मुक्तिं भविता च पदारि। कि दृष्टा चुकोपनिरपतिं ससाप प्रस्फुता धरा असुरा भव पापीय योग भ्रष्टा भुव ब्रज। प्रियतमन श्रोताओं, तृणाव्रत का उद्धार किया, सकटासुर का उद्धार किया और जो है अब भगवान एक वर्ष के हो गए। अब भगवान एक वर्ष के हो गए और एक वर्ष में तृणाव्रत का उद्धार किया और अब भगवान का जो है नामकरण संस्कार का समय आया। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमारा नामकरण संस्कार तो 11वें दिन में हो जाता है, ठाकुर जी के नामकरण संस्कार में एक वर्ष लग गया। प्रियतमन श्रोताओं, भय के आक्रांत से नंद जी ने जो है भगवान का नामकरण इसलिए देर में किया क्योंकि कहीं कंस को ज्ञात न हो जाए। क्योंकि जब भगवान गोविंद के आचार्य गर्गाचार्य वहां उपस्थित होंगे तभी उनका नामकरण संस्कार हो पाएगा। उसमें अपने आचार्य के कुल के आचार्य का होना परम आवश्यक होता है। तो समय वो अवसर जब प्रदान होगा तो तभी जो है हम भगवान का नामकरण करेंगे। और पूर्व में जो है उन्होंने संक्षिप्त रूप से स्वस्ति वाचन करके भगवान का नाम जात कर्म संस्कार किया, छठी का संस्कार किया, छठी महोत्सव मनाया। यदो नाम महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतं। कि गर्गः पुरोहितो राजान् यदो नाम सुमहातपा ब्रजज्जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रक्षित, आज यदुकुल को विभूषित करने वाले यदुकुल के आचार्य पुरोहित गर्गाचार्य कहाँ आए? गोलोक में आए, गोकुल में आए और वे वसुदेव जी के कहने पर वहां गए थे कि जाओ ना मेरी लला का वहां आप नामकरण संस्कार कर देना। परंतु ये बात सबसे छिपी रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नंद बाबा भी डरे हुए हैं, माँ भी डरी हुई है। अरे जिस दिन से लला हुए हैं, जिस दिन से लला भयो है, वादिन से या घर में कुछ न कुछ उलट पुलट हो तो ही रहते है। इस कारण प्रियतमन श्रोताओं, आज गर्गाचार्य वहां उपस्थित हुए और ये गर्गाचार्य जो है यदुवल कुल के शिरोमणि हैं, यदुकुल के जो है आचार्य हैं। डर के कारण, भय के कारण विधिवत पूजन नहीं करा पाए और आज सो अवसर आया कि आप जो है यदुकुल के महान आचार्य हैं, यदुकुल को आपने विभूषित किया है और यदुकुल में सभी राजाओं का नामकरण संस्कार
कि सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, कि सुतम मया जो मेरे पुत्र हैं उसका आप संस्कृत करें। उस संस्कृत शब्द का अर्थ भी होता है संस्कार। क्या होता है? संस्कार। इसलिए संस्कृतम शब्द का प्रयोग किया, यानी संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत को जो पढ़ने वाले हैं सर्वप्रथम उन्हें संस्कारवान बनाया जाता है और तब वो जो है सुसंस्कृत होते हैं, संस्कारवान बनते हैं। तो आप भी मेरे बच्चों का जो है नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ये अवसर तो बड़ा धन्यतम है, पुण्यतम है, चलो नंद बाबा भगवान आज जो है आपके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं। तो नंद बाबा भय के कारण, डर के कारण गौशाला में ले जा करके प्रियतम श्रोताओं अपने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। जो रोहिणी के पुत्र थे उन्हें यशोदा जी ने अपनी गोद में बैठा दिया और जो यशोदा के पुत्र थे, देवकी के पुत्र थे, उनको रोहिणी ने अपने गर्भ अपने गोद में बैठा लिया। स्वस्ति वाचन हुआ और उसके बाद नामकरण का स्वअवसर प्राप्त हुआ। तो माताएं जानती हैं कि गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। आज थोड़ा इनकी परीक्षा भी ले लें। कभी कभी माताएं परीक्षाएं भी लेती हैं ब्राह्मणों की, कई अवसान पर लेती हैं, परंतु परीक्षा लेना, परीक्षण करना अपने आप में सही है। उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए, सही ब्राह्मणों से ही कार्य करवाने चाहिए। जो सम्यक रूप से वेद को जानने वाले हैं, संस्कारों को करने वाले हैं, उन्हीं से कार्य करवाने चाहिए। और जब हम जो है प्रियतमन श्रोताओं अच्छे आचार्यों से कार्य करवाते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है। तो गर्गाचार्य उपस्थित हुए और भगवान गर्गाचार्य से माताएं कहती हैं कि हे गुरुदेव, पहले जो है आप ये बताएं कि इन बालकों का आगे ये बालक कैसे रहेंगे, भविष्य के बारे में चिंता की, प्रश्न पूछा और बताओ कि ये दोनों पुत्र किस किसके हैं। तो गर्गाचार्य कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते इति ही रामा बलादिक्यम बलम विदो। हे यशोदा मैया, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। माँ यशोदा अचंभित हो गई कि गर्गाचार्य को तो ज्ञात ही नहीं था, फिर कैसे पता लगा? तो महाराज ये गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें पहले ही ज्ञात हो गया कि यशोदा के गर्भ में जो है कौन है, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदे गणे आख्यासते इति रामा बलादिक्यम बलम विदो। माता, आपके गोद में जो बच्चा बैठा हुआ है, जो बालक बैठा हुआ है, ये रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी के पुत्र होने के कारण इसमें सभी योगी गण रमण करेंगे और सभी योगी के रमण करने के कारण इसका नाम राम होगा। रमयन सुहृदो गणे, सभी महान संत देवात्मा इसमें रमण करेंगे इसलिए इनका नाम राम होगा। और बलादिक्यम बलम विदु, ये बलवानों में बलवान होंगे, सबके संकटों को हरण करने वाले होंगे, तो इनका नाम जो है बलराम भी होगा। बोले बलदेव भगवान की जय, बलराम भगवान की जय। और ये सबको
संकर्षण होने के कारण, खींचने के कारण इनका नाम जो है संकर्षण भी होगा। बोले संकर्षण भगवान की जय। तो ये तीन नाम गर्गाचार्य ने रोहिणी के पुत्र के रखे और भगवान का नामकरण करने का सुअवसर प्रदान हुआ कि आसन व्रणास्त्रयो यस्य गृहतो युगम तनु शुक्ल रक्तस्तता पीता इदानीं कृष्णताम गता। ये रोहिणी जो आपके गोद में जो बालक उपस्थित है, जो बैठा हुआ है, यह बालक वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा और शुक्ल रक्तस्तता पीतः इदानीं कृष्णतांगता। पहले ये शुक्ल रूप में उत्पन्न हुआ, श्वेत वर्ण का हुआ, फिर जो है रक्त वर्ण के भगवान हुए त्रेता में, और उसके बाद प्रियतम श्रोताओ इस समय जो है ये कृष्ण वर्ण के होंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण भी होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्य च गुणकर्मानुरूपाणि तदान्यानं वेदनो जना। हे रोहिणी, हे माय सुदा, रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के गोद में बैठा हुआ जो बालक है, सबको प्रसन्न करने वाला, सबको अपने अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण, और इस समय इदानीम कृष्णताम गता, इस समय जो है ये सांवले रंग के होने के कारण इनका नाम जो है कृष्ण होगा, और सबको अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। वैसे इनके अनेक नाम होंगे कि बहूनी संति नामानि गुरुपाणि च सुतस्य च। इनके नाम से, रूप से, गुण से इनके बहुत सारे नाम होंगे, अरुणी बहुत अधिक नाम होने के कारण पर भगवान के 1000 दिव्य नाम हैं, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में जाना जाता है। कि विष्णुर विष्णुर वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत दवासो भूताधव भूत भावन पवित्राणाम पवित्रम यो योग योग पवित्राणाम पवित्रम यो। ये पवित्रों में पवित्र होंगे, पुण्यों में पुण्य होंगे, योगियों में योगी होंगे, सिद्ध में सिद्ध होंगे, और सभी पुण्यावताओं में श्रेष्ठ होने के कारण से इनको अनेक प्रकार के नाम से जाना जाएगा। परंतु वासुदेव इति ही श्रीमान अनिविज्ञासं प्रचक्षते, परंतु वासुदेव जी के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव होगा। और शुक्ल रक्तस्तता पीतः, पहले ये शुक्ल वर्ण के हुए, फिर रक्त वर्ण के हुए, और फिर पीत वर्ण के हुए। इदानीं कृष्णताम गतः, इस समय कृष्ण वर्ण के हुए, सांवले वर्ण के हुए, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। भगवान के जो है अनेकों नाम हुए, पर गर्गाचार्य ने कृष्ण और वासुदेव भगवान का नाम रखा। बोले कृष्ण बलदेव भगवान की जय। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के नामकरण का अवसर बार बार प्रदान होता रहे, आपके जीवन में भी ये अवसर बार बार प्रदान होते रहे कि आप भगवान के नामकरण संस्कार की कथा का श्रवण करते रहें, और हम भगवान के नामकरण संस्कार की कथा का श्रवण सबको कराते रहें, आप सब महानुभावों को कराते रहें, भक्तों को कराते रहें। कि जन्माद्य साधु सफलम
सफले च नेत्रे विद्या तपा कुल महो सफलम समस्तम आचार्यतां च सफला आचार्यतां च सफला हि यदो कुलस्य हन्ताः नाम करणाय समागतोऽहम्। श्री गर्गाचार्य कहते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि जन्मान दशा दुसफलम, आज मेरा जन्म सफल हो गया कि भगवान के नामकरण करने का अवसर मुझे प्रदान हो गया। आज आपका जन्म भी सफल हो गया कि भगवान के नामकरण संस्कार की दिव्य कथा का श्रवण आप कर रहे हैं और आज हम सब के मध्य में बैठे हुए सभी विप्र देवताओं का, सभी आचार्यों का, सभी भागवत कथा के उद्भट विद्वानों का जीवन भी सफल हो गया कि भगवान के नामकरण संस्कार की कथा का वो श्रवण करा रहे हैं। विद्या तपा कुल महो, आज मेरी विद्या सफल हो गई, आज मेरा तप सफल हो गया, ये गर्गाचार्य कह रहे हैं। आज मेरा कुल सफल हो गया, आज मेरा समस्त जीवन सफल हो गया। क्यों सफल हुआ महाराज? कि आचार्यताम च सफला आचार्यताम च सफला हि यदो कुलस्य, आज मुझे यदुकुल का आचार्य होने की सफलता प्राप्त हो गई कि हन्ताः नाम करणाय समागतोऽहम्, भगवान के नामकरण संस्कार में मैं सम्मिलित हो गया, हो पाया, मेरा आचार्यत्व तो मेरा जीवन सफल हो गया। हे नंदराज, आपने ये शुभ अवसर मुझे प्रदान किया। हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया। अब मेरे जीवन में कोई कामना नहीं। गर्गाचार्य ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर के खूब धन धान्य द्रव्य दक्षिणा को लेकर के प्रियतमन श्रोताओं वहां से प्रस्थान किया। धीरे धीरे करके गोविंद अब बड़े होने लगे। अब जो है श्रृंगाग्नि दृष्ट सलिल द्विज कंठ के क्रीड़ा परावति चलो ससुतो निषिद्धुम् घृणानि कर्तुमपि यत्र न सुतो निमेष घृणानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनो सेकात् आप तुरलं मनसो नवस्थाम्। माँ को जो है अब भय लगने लगा क्योंकि बालक जय